बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत में लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घुट रहा है। तो चलिए आज जानते हैं हमारी इस वीडियो में कि आखिर में पूरा माजरा क्या है और ये सब क्यों हुआ है। नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ वायरल वर्ड ऑफ स्टार्ट में। कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है और ट्विटर के माने तो ये कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि परमानेंट सस्पेंशन है। अगर ये है तो डोनाल्ड ट्रंप के सस्पेंशन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सेलिब्रिटी सस्पेंशन है जो ट्विटर ने आज किया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कंगना का अकाउंट सस्पेंड क्यों किया गया है। दरअसल हाल ही में कंगना ने ममता बनर्जी को लेकर अपमानजनक ट्वीट किया था जिसके बाद ही ट्विटर ने उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली कंगना रनौत ट्विटर के नियमों का पालन नहीं कर रही थी, ये भी आरोप उन पर लगाए गए हैं। अकाउंट सस्पेंड हो जाने के बाद हैशटैग कंगना रनौत ट्विटर पर काफी ट्रेंड करने लगा। वहीं कंगना ने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कंगना रनौत ने एक लीडिंग वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ट्विटर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो अमेरिकी है, वो अमेरिकी जो जन्म से ही भूरे लोगों को अपना गुलाम बनाने की मानसिकता रखते हैं। वो बताते हैं कि आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है, साथ ही क्या करना है। खुशमती से मेरे पास और भी कई प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनके जरिए मैं अपनी आवाज उठा सकती हूँ और अपने सिनेमा की बातें कर सकती हूँ। कुछ भी। दरअसल कुछ दिनों से ही कंगना यूजर्स के निशाने पर हैं और उनके अकाउंट को सस्पेंड करने की मांग की जा रही थी। माना जा रहा है कि कई विवादित ट्वीट के बाद ये फैसला लिया गया है। बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में टीएमसी की जीत के बाद वो हिंसा से हुई मौतों के बाद कंगना ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए हिंसा करने वालों को हिंसा के जरिए ही जवाब देने वाला विवादित बयान दिया था। कंगना रनौत की खैर इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं कि उनके ऊपर पूरी 3 घंटे की फिल्म आसानी से बनाई जा सकती है, लेकिन स्टूपिड और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना अकाउंट सस्पेंड करने के पीछे का कारण नहीं बन सकता है और होना भी नहीं चाहिए। दिक्कत तब आती है कि देश में नफरत फैलाई जब जाती है। अब बहुत लोग यहाँ पर सवाल आकर कहेंगे कि कंगना का अकाउंट सस्पेंड करना फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। दिक्कत यहाँ पर साफ है कि लोगों को भड़काया जाता है देश में वायलेंस करने के लिए। ट्विटर का कहना है कि इनका सिर्फ एक ही ट्वीट नहीं है जिसकी वजह से इनका अकाउंट सस्पेंड किया जा रहा है। पिछले काफी दिनों में इनके बहुत से ऐसे ट्वीट्स आए हैं जो ट्विटर रूल्स के खिलाफ हैं, तो इसलिए कंगना का अकाउंट परमानेंट सस्पेंड किया गया है। ट्विटर के रूल्स क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। ट्विटर का कहना है कि नफरत फैलाने और हेट फैलाने की वजह से अकाउंट सस्पेंड किया गया है। ट्विटर ये भी कहता है कि अपने सारे रूल्स को बिना किसी भेदभाव के वो हर किसी पर अप्लाई करता है। ये रूल्स सबके लिए बराबर हैं और सब पर एक साथ ही लागू होते हैं जो भी लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर टीएमसी का कहना है कि उनके भी कई वर्कर्स इस हादसे में मारे गए हैं, लेकिन यहाँ बात बीजेपी या फिर टीएमसी वर्कर्स की नहीं आती है। दोस्तों बात आती है उन लोगों की, उन बेगुनाह लोगों की जो इन हादसों में, इन लड़ाइयों में मारे गए हैं। इंसानियत की भी हत्या हुई है। कोई भी आम आदमी ये सब देखकर यही कहेगा कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए, लेकिन कंगना का रिस्पॉन्स आता है कि वायलेंस के बदले, गुंडागर्दी के बदले और ज्यादा गुंडागर्दी और वायलेंस की जानी चाहिए। मतलब क्या ये देश एक सिविल वॉर में जो है वो चेंज करने की एक प्रतिक्रिया अपनी देना चाहती हैं और ये चाह रही हैं कि भाई लड़ाई के बदले लड़ाई ही की जाए। अगर ऐसा होने लगा तो देश में सिविल वॉर की जो एक कंडीशन है वो बढ़ने लगेगी। दोस्तों हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना बीबीसी वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर, क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ? या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं? बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीजें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जब वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही है तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या?
मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और खड़ा से कड़ा कदम लीजिए। हम सीधा कहेंगे कि ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस उनके कंट्रोल में है और उनको इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए अगर लॉ एंड ऑर्डर सही से नहीं माने जा रहे हैं। लेकिन ये सीख यहाँ पर आपके लिए भी है कि अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, उसको शेयर करते हैं, तो उससे पहले जाकर आप दूसरी वेबसाइट से इसको पूरा जांच लें कि वो सही है या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे कई पेज हैं जो कि फर्जी यानी कि फेक न्यूज फैलाते हैं, और उसके लिए ही हमारा चैनल हमारे नाम के साथ आपके सामने आया है, वायरल वर्सेस फैक्ट, जितनी भी चीजें वायरल हैं उनका सच दिखाने के लिए। खैर, अब आपकी इस बारे में क्या राय है कि कंगना का जो ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ है वो सही है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।